हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने जो शूज़ हैं जो वॉश कर सकते हैं, शूज़ उन्हें किस तरह से हम वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सारे शूज़ जो मुझे धोने थे उन्हें मैंने एक साथ एक टब में निकाल कर रख लिया है, जिन शूज़ को मुझे वॉश करना था। अब मैं क्या करूँगी इनमें, देखिए मैंने पहले से ही इसमें मैंने पानी फिलअप करा हुआ है ताकि जो भी इनमें गंदगी है, जो मिट्टी वगैरह है, जो भी मतलब जितनी गंदगी है वो यहाँ पानी में पहले निकल जाएगी। इसलिए इन्हें धोने से पहले, वॉशिंग मशीन में वॉश करने से पहले इन्हें कम से कम हाफ एन आवर के लिए पानी में आप सोक कर देंगे ताकि जितनी इसमें मिट्टी है वो सब जो है इसमें निकल जाएगी। यहाँ पानी में वॉश करने के बाद में हम इन्हें वॉशिंग मशीन में डालेंगे। तो इसमें मैंने पानी फिल कर दिया था, अभी मैं इसमें और थोड़ा पानी डाल दूंगी। इसमें मैंने प्लेन वाटर डाल दिया है और सारे शूज़ जो हैं मैं इस तरह से सोक कर दूंगी। तो इस तरह से सोक करना है इन्हें और ये देखिए पीछे भी क्लीन होने लगे हैं। और हाफ एन आवर बाद हम इन्हें पानी से निकाल कर और फिर वॉशिंग मशीन में डालेंगे। मैंने ये शूज़ मैंने जो है वो पानी से निकाल दिए हैं और अब मैं इन्हें जो वॉशिंग मशीन का टब है उसमें डालूंगी। ये सारे शूज़ जो हैं वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और वॉशिंग मशीन को मैंने कनेक्ट कर दिया है और ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें जो है यहाँ पर मैंने एक स्कूप जो है वो सर्फ़ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जो भी आप डिटर्जेंट, जो भी सर्फ़ यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और इसके साथ में हमें जो विनेगर होता है, कोई भी विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं, वो विनेगर जो है वो हम यहाँ पर पोर कर देंगे अप्रॉक्स हाफ कप। हमें विनेगर इसमें डाल देना है। तो ये बेकिंग सोडा है, मैं इसमें करीबन एक टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी। तो ये एक टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा पुट कर दिया है और इसको मैं बंद कर देती हूँ। और ये पानी स्टार्ट हो चुका है और शूज़ जो हैं वो वॉश होना स्टार्ट हो गए हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तो मैं आपको दिखाऊंगी। विनेगर और बेकिंग सोडा आपको किसी भी जनरल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होते हैं। वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग या वॉशिंग मशीन में हम क्लोथ्स किस तरह से वॉश कर सकते हैं ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि हम वॉशिंग मशीन में किस तरह से क्लोथ्स वॉश करें या जो वॉशिंग मशीन है उसकी क्लीनिंग हम कैसे करते हैं, जो डीप क्लीनिंग होती है वो कैसे करना चाहिए, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिड बंद करके मैं मशीन ऑन कर दूँगी। मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो मैं इसमें वॉश कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास में अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसमें भी आप वॉश कर सकते हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल क्लोथ्स वॉश करते हैं उसी तरह से, सेम इसी तरह से पानी में भिगोने के बाद में शूज़ आपको वॉश टब में डालने हैं। और वॉश टब में डालने के बाद में जब ये सर्फ़ और विनेगर और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में धुल जाएंगे उसके बाद आप इसे ड्रायर सेक्शन में डालकर और ड्राई कर सकते हैं। मशीन बंद हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है और जो शूज़ हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो शूज़ है देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और देखें ये देखिए पूरी तरह से ये क्लीन हो चुका है सभी जगह से और बिल्कुल नया जैसे लग रहा है ये। तो ये देखिए ये भी पूरा क्लीन हो गया है, अंदर भी पूरा साफ़ हो गया है, ये पूरी तरह से न्यू हो गए हैं। तो इस तरह से ये अभी पूरे ड्राई अप हो चुके हैं, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए धूप में डाल देंगे ताकि ये तो अच्छे तरीके से इनमें धूप लग जाए और ये सूख जाए। और अगर नहीं है आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है, बादल हैं, तो आप इन्हें फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें धूप में सुखाते हैं और ये बहुत जल्दी 2 घंटे में पहनने के लिए रेडी हो जाएंगे।
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।